Good morning, students. Welcome to computer class. How are you all? I hope you all are fine. Myself, Amrish Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, Kota. Today, we will discuss about dictionaries, part 1st, chapter number 13 of class 11th. In this chapter, we will discuss about dictionaries, key value pairs, working with dictionaries. In this chapter, you shall be learning about how data items are organized in a Python dictionary, how you can access items from a dictionary, various operations that you can perform on a dictionary and various related functions and methods. Yes, student, last chapters discuss about strings, tuples. ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग, टपल्स एंड डिक्शनरी? तो स्ट्रिंग या टपल्स या लिस्ट, ये सब ऑर्डर्ड लिस्ट या ऑर्डर सीक्वेंस में होते हैं, जबकि जो डिक्शनरी है वे इन ऑर्डर अनऑर्डर्ड फेज में होती है और की वैल्यूज पेयर में होती है. मीन्स एक की होगी और उसकी कोई वैल्यू होगी. ओके स्टूडेंट, नाउ डिक्शनरी की वैल्यू पेयर्स. डिक्शनरीज आर म्यूटेबल. यस स्टूडेंट, डिक्शनरी जो है वो कैसा, वो किस तरह का डेटा टाइप्स हैं जो डिक्शनरी आ रहा? म्यूटेबल. म्यूटेबल मीन्स चेंजेबल, यानी कि उसकी वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हो. अनऑर्डर्ड कलेक्शन विद एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ अ की वैल्यू पेयर्स दैट एसोसिएट कीज टू वैल्यू. अनऑर्डर्ड कलेक्शन, कोई ऑर्डर नहीं था, ठीक है. और जो वैल्यूज होती है वो किस में होती है? की वैल्यूज पेयर में. मीन्स आप की देंगे एंड कॉलन साइन के बाद उसकी वैल्यूज देंगे, तो की से आप डेटा क्या कर सकते हैं? फेच कर सकते हैं. जैसे हम लिस्ट में जो डेटा फेच करते थे वो किससे करते थे? इंडेक्सिंग से. सेम मेथड इसमें यूज करते हैं, की वैल्यू मेथड. थोड़ा सा डिफरेंस है, सेम मेथड तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस मेथड है की वैल्यूज. तो की के फॉर्मेशन में हम उस किस वैल्यू को एक्सेस करेंगे. डिक्शनरीज आर सिंपली अनदर टाइप ऑफ कलेक्शन इन पाइथन बट विद अ ट्विस्ट. रादर देन हैविंग एन इंडेक्स एसोसिएट विद ईच डेटा आइटम, डिक्शनरी इन पाइथन हैव अ की. तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है डिक्शनरीज में? की का. एंड अ वैल्यू ऑफ दैट की, तो की के थ्रू आप उसकी वैल्यूज को क्या कर देंगे? एक्सेस कर देंगे. तो यूजर इसमें की वैल्यू भी देगा एंड वैल्यू जो यूजर को देनी वो भी यहाँ पर देनी है. दैट इज पाइथन डिक्शनरीज आर अ कलेक्शन ऑफ सम की वैल्यू पेयर्स. तो कलेक्शन है की वैल्यूज पेयर का डिक्शनरी. डिक्शनरीज आर कंटिन्यूस दैट एसोसिएट कीज टू वैल्यूज. दिस इज इन अ वे सिमिलर टू लिस्ट. इन लिस्ट यू मस्ट रिमेंबर द इंडेक्स वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट, बट विद द केस ऑफ डिक्शनरीज यू विल हैव टू नो द की टू फाइंड द एलिमेंट इन द डिक्शनरी. यस स्टूडेंट, लिस्ट में जब भी हमें कोई डेटा फाइंड आउट करना था तो हम क्या करते थे? इंडेक्सिंग के थ्रू, कि जीरो पे फर्स्ट एलिमेंट है, वन पे सेकेंड एलिमेंट, फिर थ्री पे नेक्स्ट एलिमेंट. तो इस तरह से उसकी इंडेक्सिंग होती थी और इंडेक्सिंग के थ्रू हम क्या करते थे? किसी भी वैल्यूज को फाइंड आउट करते थे. इन डिक्शनरी, डिक्शनरी में हमें जब भी कोई वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो हम किस तरह से करेंगे? की के थ्रू. तो की की जैसे हम वैल्यूज लिखेंगे तो जो एक्चुअल जो डेटा जो स्टोर है उसके अंदर एलिमेंट जो स्टोर है वो वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी. नाउ क्रिएटिंग अ डिक्शनरी. यस स्टूडेंट, लेट्स सी हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी. To create a dictionary, you need to include the key value pairs in curly braces as per following syntax. Yes, तो student, जब भी आप कोई dictionary create करेंगे तो first of all आपका लिखेंगे dictionary name. जिस name से आपको dictionary बनानी है उसका name आप लिखेंगे dictionary name. Then curly braces open, means curly braces का मतलब हो गया कि ये it is a डिक्शनरी. तो जहाँ से करली ब्रेसेस ओपन हो रहे हैं वहाँ से इनकी वैल्यूज स्टार्ट हो जाएगी. अब यहाँ से हमारी डिक्शनरी स्टार्ट हो गई है. नाउ सब फर्स्ट ऑफ ऑल सबको क्या देना है?
की वैल्यू, यानी कि फर्स्ट आपको देना है की वैल्यू, देन कॉलन साइन लगाना है, और फिर उसके बाद में लिखेंगे आप एलिमेंट वैल्यू, जो वैल्यू आपको देनी है कंपलसरी है आपके, आपको उसमें सेमी कॉलन का साइन लगाना, देन सेपरेट करेंगे कोमा से, फिर की कॉलन वैल्यू, इस तरह से एंड ऑन जितनी आपकी की वैल्यूज पेयर आपको बनाने हैं डिक्शनरी में वो लास्ट तक लिखेंगे, और फाइनली आप कर्ली ब्रेसेस से इसको क्लोज कर लेंगे, मीन्स यहाँ पर आपकी जो डिक्शनरी है वो क्या हो गई है, क्लोज हो गई है। ओके स्टूडेंट, तो एक सिंपल मेथड है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। नाउ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल डिक्शनरी बाय द नेम टीचर्स दैट स्टोर्स द नेम ऑफ टीचर्स एज कीज एंड द सब्जेक्ट्स एज वैल्यूज टू रेस्पेक्टिव कीज। तो स्टूडेंट यहाँ हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसके अंदर हमने एक डिक्शनरी बनाई है टीचर्स नेम से, और फर्स्ट जो है उसके क्या है, ये डिम्पल एंड करण, ये दोनों क्या है इसकी कीज हैं, और मैथ्स और सोशियोलॉजी क्या है इसकी वैल्यूज हैं। तो डिम्पल एंड करण तो क्या हो गए, इसकी कीज हो गई डिक्शनरीज की, एंड मैथ्स एंड सोशियोलॉजी वैल्यूज ऑफ अ डिक्शनरी। ओके, द की वैल्यू पेयर आर सेपरेटेड बाय कोमास। तो स्टूडेंट ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप की वैल्यू पेयर कंप्लीट करते हैं देन बीच में आप क्या लगाएंगे, कोमा साइन। नाउ नेक्स्ट, ईच एंट्री की वैल्यू कंसिस्ट ऑफ अ पेयर सेपरेटेड बाय ए कॉलन। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है कि जैसे आपने की वैल्यू पेयर बनाया तो इनके बीच में आपको क्या लगाना है, कॉलन का साइन। तो की वैल्यू में तो आप क्या लगाएंगे, कॉलन साइन, और जब आपका की वैल्यू पेयर कंप्लीट हो गया देन आपको क्या लगाना है, कोमा साइन। ओके स्टूडेंट, नाउ एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ अ डिक्शनरी। यस स्टूडेंट, आपने डिक्शनरी क्रिएट कर लिया, अब उससे आपको क्या करना है, एक्सेस करना है किसी भी वैल्यूज को। तो हाउ टू एक्सेस अ एलिमेंट ऑफ अ डिक्शनरी, लेट्स सी। व्हाइल एक्सेसिंग एलिमेंट्स फ्रॉम अ डिक्शनरी यू नीड द की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, जब भी आपको डिक्शनरी से कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी है, की की। विदाउट की क्या आप वैल्यू एक्सेस नहीं कर सकते। नाउ while in list the elements are accessed through their index, to hum baat kar rahe hain the element are accessed through their indexes in dictionary, the elements are accessed through the key defined in the key value pair as per the syntax show below। to agar aap list ki baat karte ho to list mein kya hota hai, uske indexes ke through aap kya karenge, koi bhi values ko access kar sakte hain, but इन अ डिक्शनरी, डिक्शनरी में आपको क्या करना है, की को यूज करना है। ओके, विदाउट की यूज करें आप उसकी वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते। नाउ सिंटैक्स ऑफ डिक्शनरी इज डिक्शनरी नेम एंड की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डिक्शनरी नेम, तो आपको फर्स्ट सबसे पहले क्या लिखना है, डिक्शनरी का नेम, देन उसके बाद उस की वैल्यू जो आपने की उसके अंदर यूज करी है। नाउ thus to access the value for key defined as current in above, तो हम क्या कर रहे हैं, लास्ट अभी एग्जाम्पल में देखा था करण, हमने एक डिक्शनरी बनाई थी उसके अंदर हमने करण वैल्यू लिया था, की वैल्यू लिया था, तो हम वहाँ इस करण को यूज़ कर रहे हैं। डिक्लेयर टीचर्स डिक्शनरी यू विल राइट, आप कैसे लिखोगे, टीचर्स तो क्या हो गया आपका डिक्शनरी नेम एंड करण इज अ की। ओके, तो जैसे लिख के आप एंटर करेंगे एंड पाइथन विल रिजल्ट रिटर्न सोशियोलॉजी, तो पाइथन आपको क्या रिटर्न कर देगा, सोशियोलॉजी, मीन्स इस पर्टिकुलर की वैल्यू आपको रिटर्न हो गई। ओके स्टूडेंट, तो आपने देखा कि किस तरह से हमने एलिमेंट्स एक्सेसिंग करा है, एलिमेंट ऑफ अ डिक्शनरी एक्सेस कर लिया एलिमेंट्स को। नाउ नेक्स्ट इज कंसिडर फॉलोइंग एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, डी, हियर डी इज अ डिक्शनरी नेम, वोवल वन कॉलन ए, तो वोवल वन, वोवल टू, वोवल थ्री, वोवल फोर एंड वोवल फाइव इज अ की, एंड ए ई आई ओ यू इज अ वैल्यू। ठीक है, तो ये सब, ये तो क्या है, ए वोवल वन की वैल्यू है, ई वोवल टू की वैल्यू, आई वोवल थ्री की वैल्यू, एंड सो ऑन, इस तरह से हमने इसको सेट किया हुआ है डिक्शनरी को। नाउ जैसे आपने प्रिंट कराया, आपने लिखा डी, ओनली आपको क्या लिखना है, डिक्शनरी नेम, तो बोथ कीज एंड वैल्यूज जो पेयर है वो आपको सारा पूरा इस तरह से शो हो जाएगा आपकी आउटपुट विंडो में। नाउ एक मेथड और है, प्रिंट डी, इस तरह से भी यदि आप लिखेंगे तो सेम आउटपुट आपको शो होगा। नाउ अगर आपने लिखा डी वोवल वन, डी ब्रैकेट साइन लगाया वोवल वन, तो
आपने क्या दिया, ये की वैल्यू, और आपको क्या मिल जाएगी इसकी, जो एक्चुअल वैल्यू होगी यानी कि वोवल वन की वैल्यू कितनी है, ए, तो ये आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, ए। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप एक्सेस कर लोगे डेटा को यूजिंग की। नाउ ट्रैवर्सिंग अ डिक्शनरी, यस स्टूडेंट, हमने लिस्ट भी ट्रैवर्स किया है, हमने स्ट्रिंग भी ट्रैवर्स किया है, हमने टपल भी ट्रैवर्स किया है, सेम एज इट इज मेथड है डिक्शनरी में। और उसके लिए हम ट्रैवर्सिंग करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, फॉर लूप का। तो यहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे, फॉर लूप का। नाउ लेट्स सी, ट्रैवर्सल ऑफ अ कलेक्शन मीन्स एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ इट, मीन्स आपको वन बाई वन सारे एलिमेंट्स पे क्या करना है, ट्रैवर्स करना है, इसे हम बोलेंगे ट्रैवर्सिंग। द फॉर लूप मेक्स इट ईजी टू ट्रैवर्स और लूप ओवर द आइटम्स इन अ डिक्शनरी एज पर फॉलोइंग सिंटैक्स। नाउ लेट्स सी, फोर, फोर इज अ लूप, देन यू राइट आइटम इन डिक्शनरी, कॉलन साइन लगाएंगे, प्रोसेस ईच आइटम हियर, और एक के बाद एक आइटम यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस होगा। द लूप वेरिएबल आइटम विल बी असाइंड द की ऑफ डिक्शनरी वन बाय वन, जस्ट लाइक दे आर असाइंड इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग और लिस्ट वाइल ट्रैवर्सिंग डैम। तो जिस तरह से हमने लिस्ट में, स्ट्रिंग में एक एक आइटम को असाइन किया था, सेम एज इट इज प्रोसेस है किसमें, डिक्शनरी में, विच यू कैन यूज इनसाइड द बॉडी ऑफ द फॉर लूप। अ डिक्शनरी नेमली डी वन इज डिफाइंड विद थ्री कीज, अ नंबर, अ स्ट्रिंग, अ टपल ऑफ स्ट्रिंग। नाउ हियर डी वन इज इक्वल टू फाइव, फाइव इज अ की, कॉलन नंबर, नंबर इज अ वैल्यू, स्लैश ए, कॉलन स्ट्रिंग, ए इज अ की फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग इज अ वैल्यू, वन टू इज अ की फॉर्म ऑफ अ टपल एंड टपल इज अ वैल्यू, एंड देन कर्ली ब्रैसेस साइन क्लोज, मीन्स हमारी डिक्शनरी यहाँ पर क्या हुई, क्लोज होगी। स्टूडेंट यहाँ पे हम स्लैश लगा रहे हैं, ब्लैक बैक स्लैश, तो ये इसलिए लगाते हैं जब हमें मल्टीपल्स लाइन यूज करनी है, यदि हम एक ही लाइन में लिख रहे हैं नो प्रॉब्लम, अगर आपको मल्टीपल्स लाइन्स में इस तरह से डिक्शनरी डिफाइन करनी है देन यू राइट बैक स्लैश साइन। ओके, टू ट्रैवर्स द अबाउट डिक्शनरी यू कैन राइट फॉर लूप एज फॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट फॉर कीवर्ड, देन की इन डी वन, डी वन इज अ डिक्शनरी नेम, प्रिंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या प्रिंट कराना है, की, कॉलन, डी वन की, तो डी वन की जब प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा, जो डिक्शनरी डी वन की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। टू ब्रेक अ स्टेटमेंट एक्सप्रेशन इन मल्टीपल लाइन यू कैन यूज स्लैश एट एंड ऑफ फिजिकल लाइन, द आउटपुट इज, तो उसका आउटपुट कैसे आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखा ए, कॉलन स्ट्रिंग, वन टू टपल, फाइव इज नंबर। ये स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे सर जब हमने एंटर किया था तो फाइव नंबर, ए स्ट्रिंग, वन टू टपल, और जब हम इसका आउटपुट देख रहे हैं तो हमें जो आउटपुट मिला है वो क्या मिला है, डिफरेंस मिला है। तो आउटपुट डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि डिक्शनरी इज अ अनसॉर्टेड मेथड पे वर्क करती है, ठीक है, तो जो डिक्शनरी है वो सॉर्टेड मेथड पे वर्क नहीं करेगी, अनसॉर्टेड मेथड पे वर्क करेगी, जो कि उसको पहले एक्सेस होगी वो वैल्यू पहले प्रिंट हो जाएगी उसके बाद देन इस तरह से। तो जिस फॉर्मेट में आप देंगे जरूरी नहीं है कि उसी फॉर्मेट में आपको क्या मिलेगा, आपका आउटपुट मिलेगा। नाउ राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ फोन डिक्शनरी फॉर ऑल योर फ्रेंड्स एंड देन प्रिंट इट, तो एक आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको आपके फ्रेंड्स के नेम और उनके फोन नंबर को स्टोर कराना है यूजिंग डिक्शनरी मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट फोन डिक्स्ट, डी आई सी टी, डिक्शनरी की शॉर्ट फॉर्म लिखिए, मीन्स ये क्या हो गया आपका डिक्शनरी नेम इज इक्वल्स टू माधव, माधव इज अ की एंड ये इसका फोन नंबर, स्टीवन इज अ की एंड इस फोन नंबर, दिलप्रीत इज अ की एंड इस फोन नंबर, राबिया इज अ की फोन नंबर, मोहित इज अ की फोन नंबर एंड समराइज अ की एंड इसे फोन नंबर। अब हमें क्या करना है, इसका आउटपुट देखना है, ये तो आपने क्या कर दिया, अभी एंट्री कर दिया, ठीक है, डिक्शनरी में आप इसको फॉर नेम आपने क्या यूज़ किया, फॉर लूप, नेम लिख रहे हैं इन फोन डिक्शनरी, प्रिंट नेम, तो नेम प्रिंट करवा देंगे, कॉलन साइन लगाएंगे फोन डिक्शनरी के नेम, ठीक है, तो जो आपने की वैल्यूज यहाँ लिखी है सेम की वैल्यू आपको कहाँ लिखनी है, यहाँ पे लिखनी है, और बाहर आप क्या लिखेंगे उसके जस्ट बाहर की साइड में फोन डिक्शनरी, यानी कि ये क्या है इसकी डिक्शनरी नेम, तो की वैल्यू लिख देंगे, तो की वैल्यू क्या है मेरी नेम, उसके बाद में लिखा
डिक्शनरी का नेम देन उसकी वैल्यू. तो द आउटपुट प्रोड्यूस बाय अबव प्रोग्राम विल बी, तो जो भी इसकी कीज होंगी वो तो एज ए नेम प्रिंट हो जाएगी, कॉलन साइन एज इट इज प्रिंट हो जाएगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ स्टूडेंट डबल क्वेश्चन मार्क में, एंड फोन डिस्क नेम, तो यानी कि जो उसकी वैल्यूज होगी वो जस्ट इसके बाद में प्रिंट हो जाएगी. बट स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी हमने क्या किया हुआ है, जो एंटर किया हुआ है डेटा और जो आउटपुट मिला है वो क्या है, डिफरेंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एंटर किया है माधव, बट हमें यहाँ क्या मिला है, राबिया. तो वो क्यों मिला है, क्योंकि डिक्शनरी इज़ ए अनसॉर्टेड मैथड. ओके, तो किस पे वर्क करती है, अनसॉर्टेड मैथड पे. तो ये एक एग्जाम्पल था जिसके थ्रू हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो सारे डेटास एंटर कराए, उसके बाद में फॉर लूप लगा के हमको प्रिंट किया है. ओके स्टूडेंट, नाउ एक्सेसिंग कीज और वैल्यूज. अब हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, कीज भी एक्सेस करेंगे. अगर हमें कीज की वैल्यू प्रिंट करानी है तो कीज की वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं, और यदि हमें वैल्यूज प्रिंट करानी है तो हम उसको भी कैसे प्रिंट कराते हैं, लेट्स सी. टू सी ऑल द कीज इन अ डिक्शनरी इन वन गो यू मे राइट डिक्शनरी डॉट कीज, यह मेथड आपको यूज करना है. एंड टू सी ऑल वैल्यू इन वन गो यू मे राइट डिक्शनरी डॉट वैल्यूज एंड शोन बिलो फॉर द सेम डिक्शनरी डी क्रिएटेड अबव. यस स्टूडेंट, यदि आपको सारी कीज एक साथ प्रिंट करानी है फर्स्ट एक साथ में, तो आप लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्शनरी डॉट कीज एंड वैल्यूज प्रिंट करानी है, देन डिक्शनरी डॉट वैल्यूज. के स्टूडेंट, लेट्स सी एन एग्जांपल. डी डॉट कीज, हियर डी इज अ डिक्शनरी नेम, और अभी मुझे क्या प्रिंट करानी है, इसकी कीज. तो डी आई सी टी डॉट कीज वोवल वन और वोवल फाइव, वोवल फोर, वोवल थ्री, वोवल टू एंड वोवल वन, इट्स ऑल द कीज. ओके, नाउ मेरे को वैल्यू प्रिंट करानी है, तो मैंने लिखा डी डॉट वैल्यूज, तो क्या प्रिंट हो गया, डिक अंडरस्कोर वैल्यूज यू ओ आई ई यू. तो इस मेथड के थ्रू तो मैंने कीज प्रिंट करा लिया, और इस मेथड के थ्रू मैंने क्या प्रिंट करा लिया, सारी वैल्यूज. तो आप बोथ थिंग्स प्रिंट करा सकते हैं, कीज प्रिंट करानी है, कीज प्रिंट कराएं एंड वैल्यू प्रिंट करा दें, तो इस मेथड के थ्रू आप वैल्यूज प्रिंट करा सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिक्शनरी. अब डिक्शनरी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिक्शनरी लाइक लिस्ट आर म्यूटेबल एंड दैट इज द ओनली सिमिलैरिटी दैट हैव विद लिस्ट. तो म्यूटेबल है, यही एक सिमिलैरिटी किसमें, लिस्ट में और डिक्शनरी में. अदरवाइज डिक्शनरीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स विद फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. बट बाकी क्या है दोनों में डिफरेंसेस का, जो डेटा स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है. फर्स्ट देखते हैं अनसॉर्टेड सेट. तो अ डिक्शनरी इज अ अन स्टूडेंट सॉरी फर्स्ट होगा अनऑर्डर्ड सेट. अ डिक्शनरी इज अ अनऑर्डर्ड सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स. इट्स वैल्यू कैन कंटेन्स रेफरेंस टू एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो अनऑर्डर का मीन्स ये हो गया कि जब जिस मेथड में, जिस फॉर्मेट में आपने की वैल्यूज एंटर करा है, जब आप उसको प्रिंट कराएंगे, तो ये नहीं है कि उसी मेथड में आपको क्या मिल जाएगी, वो वैल्यूज मिल जाएगी. अनऑर्डर्ड होगा मीन्स कोई भी ऑर्डर की वैल्यू आपको पहले मिल सकती है, देन उसके बाद में वैल्यू आपको फाइंड आउट हो सकती है. नाउ सेकेंड इज नॉट अ सिक्वेंस. अनलाइक अ स्ट्रिंग लिस्ट एंड टपल, अ डिक्शनरी इज नॉट अ सिक्वेंस बिकॉज इट इज अनऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स. तो स्ट्रिंग लिस्ट एंड टपल ये सब क्या ऑर्डर फॉर्मेट में वर्क करते थे, तो जो आप इनपुट एंटर करते थे एज इट इज आपका आउटपुट शो होता था. बट डिक्शनरी इज अ अनऑर्डर्ड सिक्वेंस. तो यहाँ पर जिस ऑर्डर में आपने इनपुट दिया है उस ऑर्डर में आपको इनपुट फाइंड आउट नहीं होगा. द सिक्वेंस आर इंडेक्स्ड बाई अ रेंज ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स, हैंस दे आर ऑर्डर्ड, बट अ डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन. ठीक है, नाउ थर्ड इज इंडेक्स्ड बाय कीज नॉट नंबर्स. ठीक है, इंडेक्स्ड बाय की नॉट नंबर्स मीन्स डिक्शनरी आर इंडेक्स्ड बाय कीज. तो जो डिक्शनरी है वो किससे इंडेक्स्ड होती है, कीज से, जबकि हमने लिस्ट में किससे किया था, नंबर से इंडेक्सिंग करते थे, नंबर से 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से इंडेक्सिंग चलती थी. सेम एज इट इज फॉर्मेट हमने स्ट्रिंग में भी यूज किया था, बट यहाँ पर हम किसी नंबर से इंडेक्सिंग नहीं करेंगे उसकी. कीज वो एक नंबर भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, टपल्स भी हो सकती है. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथन अ की कैन बी एनी
नॉन म्यूटेबल टाइप, सिंस स्ट्रिंग एंड नंबर्स आर नॉट म्यूटेबल, स्ट्रिंग और नंबर म्यूटेबल नहीं होते हैं, यू कैन यूज दैम एज अ की इन अ डिक्शनरी. एंड इफ अ टपल कंटेन्स इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट सच एज इंटीजर्स और स्ट्रिंग एक्सेट्रा देन ओनली इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ की. तो ये कंपल्सरी नहीं है कि आपको कीज में नंबर्स ही लेने हैं, आप कीज में कोई स्ट्रिंग वैल्यू या कोई टपल वैल्यू भी यूज कर सकते हैं. बट द वैल्यू इन अ डिक्शनरी कैन बी ऑफ एनी टाइप्स एंड टाइप्स कैन बी मिक्स्ड विद इन वन डिक्शनरी. फॉलोइंग डिक्शनरी डिक्ट वन हैज कीज ऑफ डिफरेंट इम्यूटेबल टाइप्स. लेट्स सी एन एग्जाम्पल. DICT 1 0 वैल्यू ऑफ की 0. तो अभी आपने की वैल्यू यहाँ पे कितनी लिखी हुई है 0. नाउ नेक्स्ट इज 1 वैल्यू फॉर की 1. 3 वैल्यू ऑफ अ स्ट्रिंग एज अ की. हियर 3 इज नॉट अ नंबर, 3 इज अ स्ट्रिंग. क्यों? क्योंकि किसमें लिखा हुआ है? डबल कोटेशन साइन में. नाउ नेक्स्ट इज 4,5. हियर 4,5 इज अ टपल, क्योंकि किसमें लिखा हुआ है? राउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है. वैल्यू ऑफ अ टपल एज अ की. नाउ आपने प्रिंट कराया DICT 1 0, तो वैल्यू फॉर की 0. तो अभी किसकी वैल्यू प्रिंट हुई है? 0 की. आपने लिखा DICT 1 4 5, तो कौन सी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी? वैल्यू फॉर अ टपल एज अ की. नाउ DICT 1 4,5 वैल्यू फॉर अ टपल एज अ की. ओके स्टूडेंट, आपने लिखा DICT 1 3, तो यहाँ पर 3 किसकी वैल्यू है? वैल्यू फॉर अ स्ट्रिंग एज अ की. तो आपने देखा है कि 0, 1, 3 एंड 4, 5, तो जब भी हम की वैल्यू दे रहे हैं तो की वैल्यू कोई नंबर नहीं है. आप उसको स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हो की वैल्यू में, आप टपल्स भी यूज़ कर सकते हैं, नंबर भी यूज़ कर सकते हैं. बट हम बात करें लिस्ट या स्ट्रिंग की, तो वहाँ पर आपको क्या यूज़ करने हैं? ओनली नंबर्स. ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज कीज मस्ट बी यूनिक. यूनिक मीन्स अगर आपने उस कीज को एक टाइम यूज़ कर लिया तो आप अगेन उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार यूज होगी अगेन रिपीट, अब बार बार रिपीट नहीं होगी. ईच ऑफ द कीज विद इन अ डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक, सिंस कीज आर यूज टू आइडेंटिफाई वैल्यूज इन अ डिक्शनरी, देयर कैन नॉट बी डुप्लीकेट कीज इन अ डिक्शनरी. तो यूनिक मीन्स होता है उसकी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होगी. अगर आपने कोई एक वैल्यू जनरेट, एक की जनरेट कर दी है, मीन्स अब वो पूरी डिक्शनरी में वो एक ही रहेगी, अलग यूज आप नहीं कर सकते. यदि आप दोबारा यूज करना चाहेंगे तो आपके पास क्या जाएगा? एरर आ जाएगी. हाउएवर टू यूनिक कीज कैन हैव सेम वैल्यूज. हाँ, पर वैल्यूज क्या हो सकती है? सेम हो सकती है. दो की वैल्यू तो सेम हो सकती है, पर की कभी भी सेम नहीं होगी, क्योंकि हम उससे क्या करते हैं, कीज के थ्रू वैल्यू को क्या करेंगे? फेच करेंगे. सपोज आपने दो कीज सेम कर दी, सेम ऑर्डर में कर दी, तो क्या होगा? वैल्यू यूज आप वहां पर क्या यूज नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू यूज नहीं कर सकते. नाउ फिफ्थ, म्यूटेबल. लाइक लिस्ट, डिक्शनरीज आर ऑल्सो म्यूटेबल. लिस्ट की तरह डिक्शनरी भी क्या है? म्यूटेबल है. मीन्स इसकी वैल्यूज को आप चेंजेस कर सकते हैं. वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ अ सर्टेन की इन प्लेस यूजिंग द असाइनमेंट स्टेटमेंट एज पर सिंटैक्स. आप लिखेंगे डिक्शनरी की इज इक्वल्स टू वैल्यू, तो आप क्या कर सकते हैं? उसी डिक्शनरी में चेंजेस कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डिक्शनरी नेम, देन की, और अब आपको नई वैल्यूज क्या देनी, वो आप वैल्यूज वहाँ पर दे सकते हैं. लेट्स सी एन एग्जाम्पल. कंसिडर द डिक्शनरी DICT 1 डिफाइन अबो. तो सबसे पहले आपने लिखा DICT 1 3 वैल्यू ऑफ अ स्ट्रिंग एज अ की. तो अभी जो इसकी वैल्यू है, वैल्यू फॉर अ स्ट्रिंग एज अ की, अब आप क्या कर रहे हैं? इसको चेंज कर रहे हैं, इसकी वैल्यू को आप क्या कर रहे हैं? चेंज. तो आप क्या लिखोगे? DICT 3 इज इक्वल्स टू चेंज टू न्यू स्ट्रिंग. ओके, अब आपने DICT 1 की वैल्यू फिर प्रिंट कराई, तो अब क्या आ जाएगा? चेंज टू न्यू स्ट्रिंग. इससे पहले क्या रहा था? वैल्यू ऑफ अ स्ट्रिंग एज अ की, क्योंकि जब आपने DICT 1 3 प्रिंट कराया, वैल्यू ऑफ अ स्ट्रिंग एज की. देन आफ्टर दैट जैसे ही आपने इसमें चेंजेस किया, चेंजेस टू न्यू स्ट्रिंग, आपने प्रिंट कराया DICT 1 3, तो क्या हो गया? चेंज टू न्यू स्ट्रिंग. यू कैन इवन एड अ न्यू की वैल्यू पेयर टू अ डिक्शनरी यूजिंग अ सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट.
तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसी तरह से न्यू की वैल्यू पेयर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इन दिस क्लास हमने देखा कि हम कैसे वैल्यूज़ को डिक्शनरीज़ बनाते हैं, डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, उसकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं, उसकी कीज़ एंड जो वैल्यू हैं उनको भी हम सेपरेटली एक्सेस कर सकते हैं, और वैल्यू जो आपने दे रखी है उसको चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक वेरी वेल। थैंक यू।